लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे। राजधानी भोपाल के बाबे अली खेल मैदान पर चल रही 9 दिवसीय T20 इंदिरा गोयल क्रिकेट तनमन टूर्नामेंट का समापन हो गया। 12 साल से निरंतर चले आ रहे टूर्नामेंट में इस साल 6 विभागीय टीम ने हिस्सा लिया। क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल साइबर पुलिस और नगर निगम के बीच हुआ, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए नगर निगम की टीम ने साइबर पुलिस के सामने 137 रन का लक्ष्य रखा, जिसमें साइबर टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 137 रन बना और वह नगर निगम ने सुपर ओवर में बैटिंग करते हुए मैच जीत लिया। वहीं इस मौके पर भोपाल कलेक्टर तरुण पिठोरे और नगर निगम कमिश्नर विजय दत्ता और कांग्रेस कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बहुत अच्छा आयोजन है क्रिकेट का और इसमें नगर निगम की टीम साइबर पुलिस ये फाइनल खेल रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि नगर निगम ने जिस तरह का उदाहरण दिया है शहर को स्वच्छ रखने में, आज टीम भी बहुत मेहनत करके पूरा प्रयास कर रही है। इसके माध्यम से ये भी संदेश हम लोग देना चाह रहे हैं कि पूरे शहर को स्वच्छ रखना ज़रूरी है, सबका साथ मिलकर चलना ज़रूरी है, ताकि हम जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है शहर को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, खास करके कॉरपोरेशन में जब दोनों सिटी गवर्नमेंट में जब दोनों पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं तो कई बार ये दिक्कतें आती हैं, बट इस बार स्वच्छता को लेके भोपाल शहर एक हुआ है और इस एक होने पे हम नंबर एक तक भी पहुँचे, यही मंशा है। और आशा आपसे भी है कि कहीं पर भी आपको कोई गंदगी या ऐसे कोई जगह दिखे तो उसे हमें सूचित करें, फिर हमें उसे कितने दिन में उसको क्लीन कर पाएंगे, उस पॉइंट को हम जहाँ गंदगी वाली पॉइंट्स उनको कितने दिन में ख़त्म करवाएं। हमारा एक भोपाल प्लस ऐप है, उसके माध्यम से हम ये कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस पर भी आप लॉगिन करके जानकारी में भेज। आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।